पानी के उसे भी देखिए, देखो कैसे रॉन्ग आ रहा है। ये रोड जो है नेपाल वाली यहाँ से बनने वाली है। आज हम जाने वाले हैं श्यामलता। देखो शिवालय बोलो, मेरे को सब्सक्राइब करो। लास्ट टाइम बोला तो था, बहुत दिनों से नहीं आई है मेरी वीडियो। अरे नहीं तो फाटक लगा हुआ है यहाँ, तो फाटक लगा है हमारा। और इसके अंदर एक और चश्मा है ये, और ये इतना बड़ा है कि गायब हो जा रहा है। बुआ को तुम बाय करने आए खाली। बाय बुआ, हम जा रहे हैं। गाइस मैं बता दूं, आज हम जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ठाकुर के। बुआ आज कुछ नया पहन के आई है, बता रही है क्या है वो? क्या हुआ? ठाकुर की लेक को दिखा दे। ठाकुर की लेक को दिखा रही हूं मैंने। अरे लेकिन गाइस हमें पहले भगवान पहले बोटिंग करवा दो, उसके बाद कोहरा दो, बारिश दो, तूफान दो। नहीं नहीं तूफान बारिश घर पहुंचने के बाद दो। फेमस बनवासा के ब्लॉगर है। अरे नहीं वो मत, अरे उस तरफ देखना टिंकू क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रिवील द रियल। और ये रोड देखो गाइस पूरी टूटी फूटी है। आज इस रोड से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है क्योंकि ये रोड जो है नेपाल वाली यहाँ से बनने वाली है। अब लोग नेपाल जाएंगे। और एक और डिजायर आ गई टैक्सी नंबर की, बाय बाय ब्रो। ये देखो गाइस यहाँ से जाएगी नेपाल की रोड और यह खटीमा वाली। और पिछले वीडियो में जो भाई का बर्थडे वाला वीडियो था, जो आपने देखी होगी वीडियो से पहले वाले ब्लॉग में, उसमें मैंने इतनी बार गाइस गाइस बोला है ना, क्योंकि वो मैंने इसलिए बोला है ताकि कॉपीराइट ना आए गानों में। और थोड़ा मैं जोश में भी था भाई का बर्थडे करके, तो फिर तभी मैं गाइस गाइस बोला था। और मेन पर्पस ये है कि कॉपीराइट ना आए बस, ताकि मेरी वॉइस दे जाए। और जिस गानों में हम डांस करे थे, भाई ने जो डांस करा था वो कॉपीराइट ना आए। और जिस जिसने भाई को बर्थडे विश नहीं किया, तो एक और मौका दे रहा हूँ मैं, यहाँ कर लो। ये देखो, हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग और क्या चल रहा है? सब बढ़िया, बनता है, बनता है, बच्ची बमाए अपन आ कर ले। मम्मी का फोन आ रहा है, एक फैन हो जाओ गाइस। तो गाइस देखो तब तक तो गाइस मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं गौरव आपका होस्ट। मैं ऐसा क्यों बता नहीं। तो गाइस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहना और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। और ये देखो मेरी नई टी शर्ट, ये मैंने पहनी नहीं थी पिछले ब्लॉगों में, बस वो उस वाले में बोली थी जल्दी यहाँ से ऑटो वाले में, और बताना कैसी लग रही है। और अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, देखो गाइस ये भाई अभी कुछ करके दिखाने वाला है। ये हमारी टी शर्ट, ये वही टी शर्ट है जो मेरे को गौरव ने गिफ्ट दी थी। गाइस कैसी लग रही है ये भी बताना। और ऐसा बोलने को मैंने कहा नहीं कि ये बताओ करके, नहीं कहा ना, ये भाई का प्यार है जो भाई बता रहे हैं गिफ्ट दिए करके। और जो ये जो भाई के हाथ में माजा ये भी मैंने गिफ्ट दिया है, ये जीन्स और जूते भी मैंने गिफ्ट दिए, चश्मा भी मेरा गिफ्ट है। इन सब चीजों को इनर वेयर, मेरा सिर्फ चश्मा मेरा अपना, बाकी सब इसने दिया है। हाँ गाइस, और क्योंकि भाई का बर्थडे है ना, और क्या भाई का बर्थडे बनेगा तभी तो भाई आपको अच्छे अच्छे सिनेमैटिक दिखाएगा। जो मेरी वीडियो पे ब्लॉग पे आते हैं वो यही भाई बनाता है। गाइस अगर अच्छा बने तो तारीफ करना। और नहीं पर पिछले वीडियो में अच्छे व्यू आए थे ना, तभी तो गाइस ऐसे व्यू बढ़ाते रहना। और देखो अभी तो हम पहुंचने वाले हैं, और हम यहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं तो हमने बताया नहीं ब्रो, तो बता देते हैं गाइस, हम जा रहे हैं चक्रपुर। और चक्रपुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हम जाने वाले हैं श्यामलताल। बहुत टाइम से श्यामलताल नहीं गए, तो श्यामलताल जा रहे हैं। और बुआ लोग कह रहे थे तूने सबको घुमाया, हमने नहीं देखा, हमको भी घुमा। तो हम सोचे यार चलो बुआ लोग को भी घुमा देते हैं और जाते हैं। तो फिर अब सीधे डायरेक्ट पहुंचते हैं वहीं चक्रपुर, यहीं से जूम करके पहुंच जाए। ये देखो पता नहीं क्या हो गया आईफोन को, अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। 15 आने वाला है ना तभी। तो गाइस अभी तो फिलहाल चलते हैं और बुआ को लेके आते हैं, फिर ठाकुर जाएंगे, ये अली बुआ को भी लेके आएंगे, मतलब ये भाई की मम्मी को, मेरी बुआ को। उसके बाद हम सीधा जाएंगे पहाड़ में श्यामलताल, और शायद आज हम वहाँ से भी कहीं और जा सकते हैं। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग, और अभी तो कंटिन्यू करूँगा मैं। तो गाइस चलो दिखाते हैं, चक्रपुर बस आ ही गया और शिवालय आने वाला है। ये देखा उत्तराखंड परिवार, और ये देखो शिवालय, भोलेनाथ से भी मिल गए। तो चलो गाइस अब सीधा जाते हैं बुआ के घर। तो गाइस चक्रपुर तो हम पहुंच गए थे और बुआ लोग बुआ को लेके आ गए, और बुआ से मिलो। हेलो करो बुआ। हेलो जी, हमारी पुरानी ऑडियंस मेरे को तो देख ही रखा होगा। और गाइस ये एलिट इंसान भी मिल गया आज हमें। हां अभी छोटा भाई आया है मेरा मुझे लेने, मैं अभी श्यामलताल घूमने जा रही हूं अपने भैया के साथ। हां मेरी बात हो रही है गाइस,
मैं बहुत छोटा हूँ ना सबसे छोटा है मेरा भैया। और ये जो है ये बुआ का नाती है, इलीट इंसान, इसको तो जानते हो आप नितिन को। तू भी बोल कुछ, क्या बोल रहा है? अरे कुछ तो बोल, बोलता क्यों नहीं, बोलो मेरे को सब्सक्राइब करो। लास्ट टाइम बोला तो था, बहुत दिनों से नहीं आई है मेरी वीडियोस तो। अरे नहीं इसके बाद तो सब्सक्राइब करो, और हट गया अपना, ये अपना वो कर रहा है। तो गाइस इसको भी कर लेना गाइस, और मुझको भी कर लेना। तो अभी तो हम जा रहे श्यामला दाल, अब हम जा रहे भागपुर सीधा बुआ को लेके, उसके बाद पहाड़ों में श्यामला दाल। और ये देखो गाइस कांवड़ यात्रा वाले जा रहे हैं डांस करते हुए पूरी तरीके से, और यहाँ पे शिवालय भी है ना, ये देखो गाइस। ये शिवालय, ये देखो गाइस हम पहुंच गए भागपुर। आधे लोगों को तो रोड देख के पता चलेगा भागपुर पहुंच गए करके, भागपुर का ऑरेंज गेट। आज इस रोड में कंटेंट नहीं है, उस दिन नेक्स्ट वन गिरी थी। आज हमने यहाँ से शुरू नहीं करा क्योंकि आज हम पहले चक्करपुर गए ना बुआ को लेने, फिर आज यहाँ आप दूसरी बुआ को लेने आ रहे हैं। कोई नहीं, आज डिजायर पहुंचा देते खेत में इतने लोग तो है, इसको तो खींच के निकाल देंगे आज ही ना। हेलो तो गाइस बुआ को, मम्मी ये भागपुर के अंदर आ गया, आप आओ यार, बताओ बुआ क्या कह रहे हो, बताओ ब्लॉग में बताओ। मैं बता रही हूँ ना, उस दिन इसी खम्बे से तो नीचे को गई थी गाड़ी करी। बढ़ा दो वहाँ, आगे भी छाया, आगे भी छाया ब्रो। यहाँ से नेक्सॉन गई थी पीछे लगाते, अभी तक तो ट्रेन नहीं आई है, पर ये देखो फिर भी अंकल आ गए साइकिल से। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये चश्मा कैसा लग रहा है बताओ, और इसके अंदर एक और चश्मा है ये, और ये इतना बड़ा है कि ये गायब हो जा रहा है। और बताओ कौन सा चश्मा अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर एलीट इंसान वाला? एलीट इंसान ही है ना, ये देखो पीछे। अब बाल डालो, कहाँ बोला था आपने, जल्दी यहाँ से हटो, वो यहीं पर बोला था जल्दी यहाँ से हटो, आज बोलना चाहिए था ये जब इनने वो लगा दिया ना। अगर इसका ये देखो गाइस टाइम, अगर इसका किसी ने पासवर्ड बता दिया तो उसे इनाम मिलेगा। और ट्रेन अभी तक नहीं आई है गाइस, देखो भागपुर भी आ गया है, ये ट्रक देख के पता ही चल गया होगा। और ये भागपुर की रोड है देखो, अब सही है थोड़ी रोड ना, पता नहीं कब तक चलती है ये भी। हाँ गाइस, और ये दो छपरी बच्चे आ रहे, दो नहीं तीन है। और अब यहाँ पे बुआ आने वाली है, बुआ को तो हम बाय करने आए खाली, चलो बाय बुआ। हम चल रहे उस दिन कह रहे कालू और लियो अरे हो जाता है कंफ्यूजन, मैंने कभी डॉगीज नहीं बोले ना गाइस। अरे तो किसी और का छत्ता, ये देखो गाइस ये वो कालू को देखो, कालू की जान निकलती है गाइस, मम्मी जाते ना। और गाइस हमारी बुआ भी आ चुकी है, इतना ज़ूम मत करना उनका दांत का गैप भी दिख रहा है। चलो बाय बुआ, चलो मम्मी ठीक है हम लोग जा रहे हैं बाय। तो गाइस देखो अब हम जाते हैं यहाँ से आगे, इस तरह हवा, अरे खिड़की मैंने खोली है, मैं कह रहा हूँ हवा कहाँ से आ रही है, नेचुरल है। बाय कालू जैज, जैस कुछ नहीं, देख कालू को, देख कालू को, उसकी जान निकलती बेचारे की, चलो भाई। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से और बुआ से मिलो। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, अभी नहीं बताते हैं, वहीं जाके बता दिया। अच्छा मैंने मुझे नहीं पता था, अब जहाँ जा रहे हैं आप लोगों ने देख रखा है एक ब्लॉग में, अभी फिर एक ब्लॉग में गाइस इधर लाओ एक बार, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ये ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए हर चीज। आप इस बार ही तो इतने दिन बाद जा रहे हैं ना गाइस, मैं बता दूँ आज हम जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा भागपुर के यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है भागपुर का, वहीं जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखो ट्रेन तो अभी आई नहीं है, और बुआ आज कुछ नया पहन के आई है, बता रही है क्या है वो? ये अरुणाचल के लोग बनाते हैं, जब मैं वहाँ फौज में थी तो मेरे साथ थे वहाँ के, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया
मेरे साथ की लेडीज ने मुझे गिफ्ट किया, काफी अच्छा लग रहा है गाइस। अच्छा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करना कैसा लग रहा है। ठीक है। क्या हुआ? हापुड़ की लेक तो दिखा दे। हापुड़ की लेक तो दिखा दी मैंने। और ट्रेन भी आ गई थी और जा रहे हैं हम श्यामला ताल। गाइस देखो हम पहुंच गए टनकपुर में और ये पीलीभीत चुंगी गाइस। बस यहीं तक आए थे गाइस, हम पेट्रोल भराने अब जा रहे वापस। नहीं श्यामला ताल जा रहे हैं, पर श्यामला ताल की रोड भी खराब हो सकती है, देखते हैं अब क्या होता है। आगे भाई बारिश तो नहीं रही, वो देख नेपाल में पहाड़ नहीं दिख रहे ना, नेपाल के पहाड़। आज देखते हैं गाइस अगर बोटिंग हो पाएगी तो देखा जाएगा, बोटिंग भी देख के आएंगे, करेंगे तो नहीं हम लोग करेंगे अगर टाइम होगा तो हम करेंगे। मम्मी को डॉक्टर ने बोटिंग करने से मना किया गाइस, तो मम्मी बोटिंग नहीं करेंगे गाइस, बाकी हम सब बोटिंग करेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोला कि थोड़े दिन के मेहमान है और सब कर लो आप। सब कर लो बोला। वो ऐसा मत बोलो, बहुत व्यूज आएंगे ब्लॉग में। ब्लॉग में बहुत व्यूज आएंगे ऐसा मत बोलो। गाइस देखो पहाड़ आ गए और ये बस्तिया वाली रोड, और आज मौसम तो सही है वैसे, धूप भी आ रही है और यहाँ पे पूजा हो रही है क्या। बताओ दादा लोग जब सलानी रोड पढ़ते थे ना, बड़े दादा लोग छोटे दादा लोग, तब वहाँ से स्कूल पंक करके टिप्पन टॉप घूमने आते थे। कहाँ पर है टिप्पन टॉप? अभी हम टिप्पन टॉप भी दिखाएंगे बुआ लोग, वो तो क्रॉस करते ही हैं। हाँ वहाँ हाल है टिप्पन टॉप, फिर घर जाए बात करने में। अरे ऊपर से तो कितना अच्छा दिखता है, अरे टनकपुर भी दिखाई देता है ना इसका। गाइस देखो हम पहाड़ पे पहुंच गए और वहां तो धूप आ रही थी, पर यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है, और अगर बारिश आ जाती है तो फिर हमें देखने को मिलेगा कोहरा, उस दिन वाला याद है चंपा। अरे लेकिन गाइस हमें पहले भगवान पहले बोटिंग करवा दो, उसके बाद कोहरा दो, बारिश दो, तूफान दो, कुछ नहीं, नहीं तूफान बारिश घर पहुंचने के बाद दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत दो कार में बैठने के बाद। हां ये भी है। और यहां भी देखो रोड में जानवर घूमते हैं, इनको बाघ से डर नहीं लगता क्या? नहीं। गाइस देखो अब हम पहुंच गए टिफिन टॉप, यहाँ से दिखता है पूरा टनकपुर, पर अभी हम रुकेंगे नहीं, आगे से दिखाएंगे, आगे से दिखाएंगे गाइस। ये देखो पहाड़, अब मौसम तो सही लग रहा है वैसे, बोटिंग वाला ना। हाँ बोटिंग होती नहीं होती वहाँ पानी के, उसे भी देखिए देखो कैसे रॉन्ग आ रहा है। अब देखो बुआ गाइस देखो पहाड़ और गाड़ी रुकी, और हम यहाँ से देख रहे हैं पूरे टनकपुर का व्यू, पर यहाँ तो धुंध लगी हुई है, पूरा फॉग जमा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है। और आज दूसरा ब्लॉगर भी आ रखा है हमारे साथ, एलिट इंसान, और बुआ लोगों को टिप एंड टॉप का व्यू दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे साथ दूसरे ये फेमस बनवासा के ब्लॉगर हैं, ये ऐसे इंसान है। मैं जहाँ भी जाता हूँ दूसरों को बंद करवा के आता हूँ। गाइस व्यू देखो एक बार। गाइस चलो बैठो आप लोग, दो मिनट का काम है, चलो आप लोग बैठो, अभी तो हम फोटो भी खींचेंगे 10 मिनट। अबे नहीं आज कुछ नया ट्राई करेंगे, अबे नहीं वो मत कर, वो लगता कुछ। हाँ रुक जा वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे, उस तरफ देख तू बस, सीधा नीचे। अरे उस तरफ देखना टिंकू। क्या कर रहे हो? रेडी रेडी ना। तो हम टिफिन टॉप से तो आगे चले गए थे, और अब श्यामला ताल वाली रोड भी बस आने वाली है, और मौसम भी ठीक है जिसका हमें डर था खराब ना हो, कोहरा भी नहीं लगा,
सही है मौसम और आराम आराम से जा रहे हैं। ये देखो ये रोड में जाना है अभी हमें। गाइस देखो यहाँ तो मौसम ख़राब जैसा हो रहा है और अगर हमें बादल मिल गए, बारिश मिल जाएगी तो और मज़ा आएगा। नहीं बोटिंग के बाद छाता तो है ही। अरे बोटिंग एक छाता में कितने लोग आएंगे यार? कोई नहीं मैं भीग जाऊँगा। और गाइस देखो पर मौसम ऊपर से ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। और हम जानबूझ के इस टाइम पे आए क्योंकि हमें धूप ना मिलेगा करके ना काले हो जाएंगे। और बोटिंग करने में तो ऐसे में मजा आता है ना गाइस। हाँ और मस्त ऐसे मौसम में बोटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे।